लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से जुड़ी सबसे खबर टीवी पर हम आपको दे रहे हैं राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे अवनीश अवस्थी तो अयोध्या के डीएम को पदेन ट्रस्ट में नामित करने की मंजूरी मिली है तो दिल्ली में होने वाली बैठक में औपचारिक घोषणा होनी है तो आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक राम मंदिर निर्माण को लेकर चर्चा इस बैठक में तो वहीं मंदिर निर्माण की तारीख पर भी चर्चा होगी तो महंत नृत्य गोपाल दास को बड़ी जिम्मेदारी इस बैठक में दी जा सकती है क्योंकि लगातार संत समाज की तरफ से ये मांग यहां पर की जा रही थी और दो देश में अयोध्या राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आने के बाद सभी के लोगों में इस वक्त सिर्फ एक ही प्रश्न है कि राम मंदिर का निर्माण कब होगा और आज माना जा रहा है कि इसकी तारीखों का ऐलान इस बैठक के बाद हो जाएगा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आज अहम बैठक शाम पाँच बजे होने वाली है और बैठक का बैठक की पहली प्राथमिकता जो है वो दो नए अन्य सदस्यों को शामिल करना जिसमें महंत नृत्य गोपाल दास और चंपत राय को भी आमंत्रित किया गया है हम खड़े हैं ट्रस्ट के अधिकारी के एड्रेस आर ट्वेंटी जो कि वरिष्ठ वकील के पराशरण का घर है और बैठक के लिए किस तरह से यहाँ पे इंतजाम किया गया है हालांकि बैठक जो है वो शाम को यहाँ पे होनी है और सभी लगभग सदस्य जो कि इस बैठक के सदस्य हैं वो यहाँ पे दिल्ली और एनसीआर में आ चुके हैं शाम को जब ये बैठक शुरू होगी पाँच बजे तो सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद होंगे और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ क्योंकि आज की बैठक में खासतौर पर पूरा ए, मंदिर बनाने का खाका तैयार किया जाएगा कार सेवक जो कि अयोध्या में शहीद हुए थे उन्हें लेके भी अंदर स्मारक बनाने की बात हो रही है खास इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं रंगोली जो है गेट पे यहाँ पे बनाई गई है इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि बैठक को किस तरह से क्या रूप दिया जाना है और पूरा अंदर तक जो है यहाँ पे रंगोली को डिजाइन किया गया है दूसरा कि मंदिर के नक्शे की बात हो रही है कि किस तरह से उसे पूरा उसका नक्शा तैयार किया जाएगा कार सेवक जो कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया था जो शहीद हुए थे राम मंदिर के लिए उन्हें किस तरह से स्मारक के रूप में मंदिर के अंदर रखने के लिए बात होगी किस तरह से उन, उनका स्मारक बनाया जाएगा इसके साथ ही और ज्यादा जमीन अधिग्रहण की भी बात हो रही जिससे कि अयोध्या ट्रस्ट जो सड़सठ एकड़ जमीन मिली है उस जमीन को आगे सरयू तक जोड़ा जा सके इस मसले को लेकर भी चर्चा होनी है मुद्दे कई अहम हैं चूंकि बैठक है पहली ट्रस्ट की तो जाहिर तौर पे भूमि पूजन कब होगा इस बात पे पहली प्राथमिकता रहेगी और इसके साथ ही अगली जो बैठकें होंगी उनमें आगे की रणनीति एक एक कर तय की जाएगी कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे आर नाइन टीवी दिल्ली तो मंदिर पर बड़ा फैसला आने के बाद के बाद लगातार लोगों मन में यही सवाल है कि आखिर मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा और आज जो दिल्ली में होने वाली इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं और आज नाइन टीवी पर आपको हम लगातार अपडेट भी बैठक से जुड़ी दे रहे हैं और एक बार फिर से हमारे संवाददाता अमित दुबे लाइव जानकारी जुड़ गए हैं और उन्हीं का हम रुक कर लेते हैं अमित अब जो बैठक है वो यहां पर होने जा रही है शाम पांच बजे और सभी के मन में इस वक्त ये सवाल है कि आखिर कब राम मंदिर का जो निर्माण है वो शुरू होगा जी बिल्कुल देखिए आम लोग जो हैं देश दुनिया के जो लोग हैं उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि ट्रस्ट कमेटी में आखिरकार कब हरी झंडी मिलेगी राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा भूमि पूजन कब होगा लेकिन दो अन्य पहलू भी इसमें नजर आते हैं खासतौर पर अगर हम बात करें कि नेत्र गोपाल दास महंत नेत्र गोपाल दास और चंपत राय दो विशेष सदस्यों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया है ऐसे में क्या वो परमानेंट सदस्य बनाए जाएंगे इसे लेके भी कानूनी विचार भी होगा और उसके साथ में आगे की रणनीति भी उनके साथ तय की जाएगी लेकिन इसी बीच महंत धर्मदास उनके भी दिल्ली आने की खबर है जबकि उन्हें बैठक में बुलाया नहीं गया है अपर सचिव अपर गृह सचिव यूपी के अवनीश अवस्थी भी इस बैठक में आने वाले हैं अयोध्या डीएम जो है उनके भी आने की यहाँ पे खबर है तो जो आधिकारिक लोग जो है, जो बैठक में बुलाए गए यहाँ पे आ रहे हैं ऐसे में इस बैठक में उन लोगों को जगह मिलती है या नहीं ये देखने वाली बड़ी बात होगी जी बिल्कुल और कहीं ना कहीं रीति रिवाजों हो या तारीख हो इन तमाम विषयों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा हो सकती है तो अगर यहाँ पर बात करें अहम जिम्मेदारी की क्यों जैसे कि आप बता रहे हैं कि सभी सदस्य दिल्ली पहुंच चुके हैं लेकिन अगर बैठक को लेकर हम बात करें तो क्या कुछ मुख्य एजेंडा यहाँ पर रहने वाला है इस बैठक में देखिए बैठक में पूरा स्वरूप तय किया जाएगा सबसे पहले कि ट्रस्ट में चंदा किस तरह से आएगा उसकी भूमिका जो है पारदर्शी पारदर्शी तरीके से पारदर्शी तरीके से भूमिका तैयार की जाएगी और किस तरह से धन जुटाया जाएगा बड़ी प्राथमिकता दूसरा कार्य सेवक जो कार्य सेवक खासतौर पर राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के दौरान शहीद हुए थे जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी उन्हें लेके भी अंदर स्मारक बनाने की बात हो रही है तीसरी बड़ी बात की राम जन्मभूमि जो अयोध्या के अंदर है इसे सरयू तट ले जाने की कवायद तेज हो गई है कि सरयू तट तक राम जन्मभूमि का मैदान जो है पूरा मंदिर जो है वो फैला मिले तो ऐसे में आ, आ और भी जमीन अधिग्रहण होना है इसे लेके भी बैठक में फैसला होना है लेकिन सबसे पहले जो कि चीज़ें आसानी से की जा सकती है उसमें भूमि पूजन का शिलान्यास क्योंकि लगातार इस बात की इस इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि रा, राम राम नवमी नवरात्रि पे भूमि पूजन कर लिया जाए इसमें कोई भी बाधा भी नहीं है सिर्फ जो ट्रस्ट की कमेटी बनी है कमेटी को तय करना है इसके बाद जो जब मंदिर बनाने का निर्माण शुरू होगा तो उससे पहले चाहे उसके नक्शे की बात करें या र, जो परिसर है खासतौर पे राम जन्म की उस तीर्थ क्षेत्र परिसर में क्या क्या होगा उसके लेके पूरा मैप तैयार करने की बात हो ये सारी चीजें चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन पहली प्राथमिकता जो है वो भूमि शिलान्यास की होगी चलिए अमित आप इस बैठक को लेकर नजर बनाए रखिए फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए जानकारी देने के लिए